इस वक्त हमारे साथ सबूर है, हम इनसे बात करेंगे। कल इनके साथ एक हादसा पेश आया है जब ये कीरू वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर गए, वहाँ पर बेशक डॉक्टर मौजूद थे लेकिन इनको अटेंड नहीं किया गया, जिनकी जिसकी वजह से जो है इनको स्ट्रगल करनी पड़ी और अभी बाल बाल जो है इनकी उंगलियाँ जो है वो कटने से बच गई। हम पूछेंगे सबूर से इनके साथ क्या हुआ। सबूर, क्या हुआ और क्या बताएंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ कीरू हुज वॉइसेस हैव बीन अनहर्ड ड्यू टू लैक ऑफ कनेक्टिविटी। तो क्या हुआ, 12 बजे के करीब मैं और मेरा कजिन अमान ट्रैकिंग पे जा रहे थे, डैम प्रोजेक्ट जो कीरू में हो रहा है, तो वहाँ पे एक ढलान थी जिसमें मेरा पैर फिसल गया और जो आर्मी वायर होती उससे मेरा हाथ वॉन्ड हो गया बहुत ही बुरी तरीके से और ब्लीडिंग, मेरा हाथ फुल ऑफ ब्लीडिंग था। तो मैं वहाँ पे जो हॉस्पिटल है प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल कीरू, तो वहाँ पे गया मैं। दे कैप्ट मी एंड माय कजिन रनिंग वन आफ्टर द अनदर रूम सेइंग गो टू दैट रूम और एल्सवेयर। तो एक घंटे तक उन्होंने हमें वेट करवाया और एक घंटे के बाद बोलने लगे कि ऊपर अब मेडिकल शॉप है आप उसमें जाइए और उसमें जाए। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि पहले उन्होंने एक घंटे तक हमें वेट क्यों करवाया? अगर अगर उनके पास फैसिलिटी नहीं थी तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं कहा उन्होंने कि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है? तो एक आपका आपका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ, बेहोश भी हुए थे। जी, काफ़ी स्वेटिंग हुई, मेरी सफोकेशन हुई मेरी ब्लड लॉस की वजह से। उनने पहले तो हमें एक आवर तक वेट करवाया वहाँ पे, उनने देखा कि ब्लीडिंग हो रही है और वो आधे डॉक्टर पबजी खेल रहे थे, आधे डॉक्टर वहाँ पे वो गॉसिप कर रहे थे, कोई टेंशन ही नहीं थी। और यही सिर्फ इंसिडेंट नहीं हुआ है, देयर हैव बीन मेनी इंसिडेंट्स इन द रीसेंट पास्ट। आप दिखाएंगे जरा उंगलियां, ये दे देखिए, ये वायर की वजह से काफी कट लगा है इन उंगलियों में और यहाँ पर भी कट है। तो जो ये दो उंगलियां हैं सबूर की, इनमें काफी इंजुरीज है और अल्लाह का शुक्र है कि अभी डॉक्टर ने बताया है इनको कि उनकी उंगलियां जो है वो बच सकती है, लेकिन काफी तकलीफ है अभी। इनकी उंगलियां कैसी रहेंगी वो अभी बताया नहीं जा सकता है। सबूर बता रहे हैं कि वहां पर जो है वो डॉक्टर्स जो ऑफिशियल्स वहां पर थे बैठे हुए, स्टाफ जो था वो वहां पर पबजी और मोबाइल गेम्स खेल रहे थे। ये नहायत ही शर्म की बात है। ये वही कीरू हॉस्पिटल है जहां पर कुछ महीनों पहले जो डीडीसी मेंबर थे उन्होंने ताला लगाया था क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयज जो है वो सारे जो है वो एब्सेंट थे और उसको जो है वो लॉक जो है वो लगाया था। रूरल एरियाज में तो जो है वो अक्सर एब्सेंटिज्म कल्चर की जो है वो बात की जाती है, लेकिन कल वहां डॉक्टर्स और स्टाफ जो है वो मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो पबजी में ज्यादा जो थे वो इन्वॉल्व थे बनिस्बत की सबूर का ट्रीटमेंट करने के लिए, जो कि बाद में बाहर जो है वो एक मेडिकल शॉप जो प्राइवेट शॉप है, अब ये पता भी नहीं है कि वो प्रोफेशनल था कि अनप्रोफेशनल था। उन्होंने किसी तरह से इनको जो है वो पट्टी की और फिर इनका कजिन ब्रदर और यहाँ से इनके फैमिली मेंबर्स गए, तो फिर इसको जो है वो वहां से शिफ्ट करके यहाँ पर जो है किश्तवाड़ में हॉस्पिटल में डॉक्टरों को जो है वो दिखाया। बदकिस्मती की बात है हमारे हॉस्पिटल जो रूरल एरियाज के हैं वो बराए नाम है। हमें पिछले दिनों कुछ फोटोग्राफ्स भी आए थे, एक्सपायर मेडिसिन जो है वो लोगों को देते हैं, दवाइयां जाया होती है वो लोगों को नहीं देते। सबूर, ये आपके लिए बहुत बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप क्या डिमांड करेंगे और आप क्या चाहेंगे? मैं यही डिमांड करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो ये डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और ये देखा जाए कि क्या वाकई में उनके पास लैक ऑफ फैसिलिटी है। अगर अगर वाकई लैक ऑफ फैसिलिटी है तो उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि उनके पास मुझे नहीं लगता है कि पट्टी करने के लिए कोई फैसिलिटी की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हमारे पास इधर कोई फैसिलिटी नहीं है, एक घंटे वेट करने के बाद बाद में बोलने लगे कि हमारे पास यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, आप जाइए मैं ऊपर मेडिकल शॉप। इसका मतलब है कि वो जो एम्प्लॉयज वहाँ पर है वो सिर्फ गवर्नमेंट की तनख्वाह लेने के लिए है और बाकी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट उन पर लाखों रुपए जो है वो खर्च करती है। मेरी इस वीडियो के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन से और जो कंसर्न मेडिकल डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और जो अटुल डोलू साहब है जिनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पिछले दिनों ही बनाया गया है, वो इन चीजों का जो है वो सीरियस नोट ले और जो हॉस्पिटल्स हैं रूरल एरियाज में उनको जो है वो ऑडिट करे और हर हॉस्पिटल की जो है वो डिटेल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करे कि वहां पर किस तरह की फैसिलिटीज और किस तरह के पेशेंट जो है वो वहां पर ट्रीट किए जा सकते हैं, ताकि
जो लोग हैं उनको जिस तरह से सबूर को स्ट्रगल करना पड़ा उस तरह से स्ट्रगल ना करना पड़े। आप सब लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे YouTube चैनल को देखिए और बेल आइकन दबाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।